अब हमें क्रिया कराएंगे जिसे कहते हैं हुम क्रिया। क्या बोलते हैं? उससे आपका स्पाइन अच्छा होगा, आपका ब्रेन अच्छा होगा, आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आपको याद अच्छा होगा जो पढ़ेंगे, और आप सोच समझ के काम करेंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं बोलिए, यो 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 यो, लिसन लिसन, थिंक थिंक, एंड स्पीक एंड स्पीक। समझ गए बात? यस सर। हम लोग क्या करते हैं, हम सुनते हैं और सीधा सोचते नहीं है, बोलते हैं। और अंदर मन में बोलिएगा, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। बोलिए, मुंह से बोलिए, मैं मैं ज्ञानवान ज्ञानवान बुद्धिमान बुद्धिमान क्रोध पर क्रोध पर घृणा पर घृणा पर मेरा नियंत्रण मेरा नियंत्रण। मैं किसी भी बात को सुनकर सुनकर सोचकर सोचकर बोलती हूँ बोलती हूँ। मैं पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान देती हूँ पूरा ध्यान देता हूँ। मैं अपने माता पिता का अपने गुरुओं का सम्मान करता हूँ मैं पूरी तरह सफल होने की राह पर पढ़ रहा हूँ। फिर आंखें बंद रखेंगे और हुम बोलेंगे आखिरी बार। स्माइल करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको फालतू के विचारों से एकाग्रता की तरफ ले गया। जब भी आप पढ़ाई करने बैठें और जब क्लास में आए, पहला जो सुबह का समय होता है, तो एक दो बार हुम करके आंख बंद करके बैठ जाइए। तूने क्या खाया, तूने क्या किया, उसने ऐसा किया था, उसने तुझे ऐसा बोला, भूल जाओ सब। ये जीवन में काम नहीं आएंगी चीज़, किसी की बुराई करना, किसी के, ये सब काम नहीं आएंगे। ये जो अभी मैंने सिखाया है ना, ये आपका जीवन बदल देगा, ठीक है? तो रोजाना रात को सोने से पहले माता पिता के चरण छुइए और उनके चरण दबाइए। जब स्कूल में आते हैं, जो भी गुरुजी सामने मिल जाएं, चाहे आपकी क्लास के हैं नहीं, उनके चरण छुओ सम्मान से। वो भी हमारे माता पिता हैं ना, हम माता पिता से ज्यादा समय गुरुओं के पास देते हैं, या नहीं? है ना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।